छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले, सिक्स्थ मंथ का करंट अफेयर है, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर अभी देखेंगे, हाल ही में CGPSC नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 246 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें हाल ही में इसका जो परीक्षा होगा, आपका जो परीक्षा होगा 9 फरवरी को होगा, 9 फरवरी 2025 में। तो 246 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है CGPSC से। इसका सिलेबस नोटिफिकेशन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। फिलहाल आज छत्तीसगढ़ की क्लास है पार्ट वन वीडियो, जिसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं समसामयिक की घटना, सिक्स मंथ का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास है, जिसका फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस भर्ती ये क्लास है, और व्यापम जैसे परीक्षा हाल ही में, जैसे प्रयोगशाला परिचारक, ADO यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर लेटेस्ट अपडेट है, क्लास करके जरूर जाएंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जसपुर बिरहोर के भाई के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, छत्तीसगढ़ GK का MCQ है, छत्तीसगढ़ GK की क्लास है और करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, फटाफट करेंगे। जागेश्वर यादव इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इनमें से किस पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इसमें 2024 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, हेमचंद मांझी को, ठीक। 26 जनवरी 2024 की थीम क्या थी, तो याद रखना 26 जनवरी 2024 का जो थीम था, भारत लोकतंत्र की जननी। MC जिला याद रखना, SG जो प्रोग्रेस है 2023 के अनुसार धमतरी पहला स्थान पर है। उसी प्रकार राज्य औद्योगिक नीति 2024-29 कब से लागू होगा, तो याद रखना 1 नवंबर 2024 अपडेट है, इसको अपडेट कर लेंगे, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ऐसे प्रश्न। राज्य की नवीन औद्योगिक जो नीति है, अभी हाल ही में जो लागू किया गया है, 1 नवंबर 2024 से लागू होगा, ठीक। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की शुरुआत कब की गई थी, तो 27 जून 2024 को, सॉरी 2024 है ना, 2024 को जो शुरुआत की गई थी अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन, ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शहीद वीर नारायण से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रख दिया गया है, इसका आंसर सी होगा। एक बार जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे और इसको अच्छे से समझ कर जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य जो सहायता योजना था, उसका नाम को बदल कर शहीद वीर नारायण से आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया है ना। तो वीडियो अपडेटेड है पूरा, करेंट अफेयर लेटेस्ट है। अगर जिसको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करेंगे और पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे वीडियो लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है, तो ये आपका 27 जून से किया गया, 27 जून 2024 को, याद रखना इसका आंसर डी होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जो मानसून सत्र है कब से कब तक चलेगा, तो 22 से 26 जुलाई तक, याद रखना 22 से 26 जुलाई 2024 में, ठीक। फोर्ब्स की 30 अंडर एशिया सूची में किसका नाम शामिल है, तो उपरोक्त दोनों, क्योंकि सुभिका जैन और सुरम्या जैन दोनों शामिल है। चलिए आकांक्षी जिला, अब याद रखना 112 आकांक्षी जिलों में से 54 स्थान की जो छलांग लगाकर पाँचवें स्थान पर है, वो कौन सा है, बीजापुर, कौन सा है, बीजापुर, याद रखना अच्छे से। छत्तीसगढ़ के कौन से विश्वविद्यालय NAC यानी कि NAAC NAC से A++ ग्रेड मिला है, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो किस स्थान में 20 फीट नीचे बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है, रीवा रायपुर, याद रखना एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। फसल जैव विविधता में पूरे देश में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, दूसरा, याद रखना कौन सा स्थान है, दूसरा, फसल जैव विविधता में पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान है। विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशी ने सर्वाधिक खर्च किए हैं, अनिल भेड़िया, याद रखना, ठीक। छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ शुरू की गई है, रायपुर, याद रखना एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ की पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ शुरू की गई है, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः स्वचलित फील्ड लोकार्पण कब किया गया, 16 फरवरी 2024 को। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक कितने लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है, 144.92 लाख मिनियन टक। तो टोटल 20 हम GK MCQ की हैं छत्तीसगढ़ की। अब इसके बाद हम देखेंगे पुरस्कार से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं छत्तीसगढ़ GK की क्लास, ठीक।
अब इधर करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पुरस्कार से सम्मानित अवार्ड। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गोल्डन मैन एनवायरनमेंट प्राइज़ का 2024 से सम्मानित किए गए? आलोक शुक्ला। ठीक, आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया है? उपरोक्त दोनों, बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उप स्वास्थ्य केंद्र सहायता और जिला चिकित्सालय कोंडा गांव की टीम को। भारत गौरव सम्मान 2024 इनमें से सम्मानित किया गया है संतोष चौबे। ठीक, इनमें से किसे हस्तशिल्प कला जी हस्तशिल्पकार से राज्य को पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तीजन भाई और लोक गायक दुर्ग, क्योंकि सभी ये सम्मानित हैं, तीजन भाई को नहीं दिया गया हस्तशिल्प कला के लिए। नागपुर के जो अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेवा द्वारा बस्तर क्षेत्र के योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है मनोज पांडी ग्राही को। कंवर गौरव सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया? विष्णु देवसाय। उसी प्रकार नेक्स्ट है कंवर गौरव का विष्णु देवसाय डबल हो गया। ठीक, इसके बाद इंडियन वाला देखेंगे जो आएगा इंडिया ग्रीन अवार्ड एवर्जी, यानी कि इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ के बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। ठीक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? पूनम तिवारी को। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ से सम्मानित है अरमान उबरानी। उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा इनमें किसे मानक उपाधि दिया गया है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अजीत डोभाल, श्री एस सोमनाथ इसरो, विराट कोहली, डॉक्टर इनाम, क्या है जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, इसका आंसर सभी होगा। राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्णव सिंह, ओम उपाध्याय, प्रेमचंद साहू और लोकेश साहू, ये सभी को 2023-24 में सम्मानित किए गए वीरता पुरस्कार के लिए। राष्ट्रीय पुलिस पदक इनमें से किसे मिला है? तो IPS अमित कुमार और KL ध्रुव पुलिस उप महानिरीक्षक ध्रुव को मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड रिकॉर्ड 2024 किसे मिला है? कांकेर पुलिस। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023 से सम्मानित रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक, बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2023 विनीत नंदवार। उसी प्रकार राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला स्वयं पुरस्कार किसे मिले हैं? दोनों को, प्रियंका और ऋतुराज को। ठीक, छत्तीसगढ़ की योजनाएं से देखेंगे 2024 है। नेवता भोजन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 21 फरवरी 2024 को। छत्तीसगढ़ की योजनाएं से क्लास करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में नेवता भोजन योजना, तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में नेवता, मिड डे मील पूरी तरह से स्वैच्छिक नेवता, व्यक्ति संगठन समाज मिड डे मील नहीं होगा विकल्प, अतिरिक्त से बच्चों को दिए गए जा रहे पोषक मूल्यों को करने उद्देश्य से समुदाय के बीच अपना वजन देना। मातारी वंदन योजना के तहत कितने रुपए वार्षिक सहायता दिया जा रहा है महिलाओं को? 12,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है। मैं मातारी हाँ काफ़ी टेबल पिक्टोरिया बुक का विमोचन किसने किया है? विष्णुदेव साय ने। तब चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 10 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च, 18 मार्च। इसका पार्ट टू वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। फिलहाल आपके लिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ऐसे और भी वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आ सकें। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। अगर पार्ट टू वीडियो